संकट की इस घड़ी में प्रशासन असहायों की सहायता के लिए दिन रात कार्यरत है। एसडीएम ज्वालामुखी अंकुश शर्मा ने बताया कि उपमंडल में किसी भी असहाय व्यक्ति को बेसहारा नहीं छोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस संकट के काल में उपमंडल प्रशासन प्रत्येक प्रवासी एवं गरीब व्यक्ति तक राशन पहुँचाने का कार्य कर रहा है। एसडीएम ज्वालामुखी अंकुश शर्मा ने बताया कि ज्वालामुखी उपमंडल में हंगर हेल्पलाइन के जरिए जरूरतमंद लोगों को निशुल्क राशन व आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जा रही है। अभी तक 5 टन राशन जरूरतमंद व गरीबों में बांटा जा चुका है। उन्होंने बताया कि ज्वालामुखी उपमंडल में हजारों की संख्या में रह रहे प्रवासी कामगार, झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले लोग, घुमंतु परिवारों और स्थानीय गरीब परिवारों के लिए राशन उपलब्ध करवाया गया है। उन्होंने बताया कि संकट के इस काल में गरीबों को भोजन करवाने के लिए ज्वालाजी मंदिर की रसोई भी खोल दी गई है। उन्होंने कहा कि ज्वालाजी मंदिर के भोजनालय के माध्यम से भी प्रतिदिन 300 से 400 लोगों को दिन में 2 बार भोजन करवाया जा रहा है। ज्वालामुखी बस स्टैंड के सामने प्रतिदिन सामाजिक दूरी का पालन करवाते हुए सैकड़ों लोगों को भोजन करवाया जाता है। अंकुश शर्मा ने कहा कि वे स्वयं इस कार्य के संचालन की व्यवस्थाओं का ध्यान रख रहे हैं। इसके अतिरिक्त ज्वालामुखी उपमंडल में सभी तहसीलदार, नायब तहसीलदार व उनकी टीम जरूरतमंदों को राशन उपलब्ध करवा रही है। देखिए जी, लॉकडाउन में गरीब परिवारों को लगभग 2000 से ज़्यादा गरीब परिवारों को राशन बांटा जा चुका है और ये राशन लगभग 5 टन से ज़्यादा राशन हमने बांट दिया हुआ है। इसके अलावा भोजन की व्यवस्था भी मंदिर प्रशासन की तरफ से की गई है। पिछले 28 मार्च से ये लंगर चल रहा है हमारा बस स्टैंड के पास और रोज़ाना एक टाइम पे मीन्स कि ये लंच और डिनर के टाइम पे लगता है तो एक टाइम पे लगभग 400 लोग जो है वो खाना खा के जाते हैं। इसमें ये फैक्ट है कि लोगों को परेशानी आ रही है लॉकडाउन के दौरान, पर ये जो भी कुछ एक्सरसाइज हम कर रहे हैं लोगों की भलाई के लिए कर रहे हैं, तो मैं अपने लोगों से यही अपील करना चाहूँगा, जैसा कि मैं बार बार रिक्वेस्ट करता रहता हूँ कि लोग जहाँ तक बड़ा ज़रूरी ना हो अपने घर में रहें और बाहर मूवमेंट तभी करें अगर बहुत ज़्यादा आवश्यक हो। अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी है या कोई डेथ केस है तो उस केस में हम लोगों को पास दे रहे हैं, लेकिन बिना पास के और बिना वजह के बाहर मूवमेंट ना करें, घर में रहें और सुरक्षित रहें। सिटी चैनल के लिए ज्वालामुखी से पंकज शर्मा की रिपोर्ट।